सबसे पहले एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं कल की मार्केट का। कल मार्केट 388 पॉइंट्स बढ़ी और इस बढ़ने के साथ जो है वो एक्सेप्शनली हाई वॉल्यूम्स हमने मार्केट में देखे, और उन हाई वॉल्यूम्स की वजह वो थी कि मार्केट में अब जो काम शुरू हो गया है वो सेकेंड और थर्ड टीयर स्टॉक्स के अंदर स्टार्ट हो गया है। तो उनमें जब वॉल्यूम होता है तो वो ऑब्वियसली हाई वॉल्यूम होता है बिकॉज वो स्टॉक्स छोटे होते हैं। इससे पहले जो काम चल रहा था वो ब्लू चिप स्टॉक्स के अंदर चल रहा था, ये सेकंड और थर्ड ईयर स्टॉक्स जो है ये बिल्कुल ही साइलेंट मोड पे थे। तो अब इनमें काम शुरू हो गया है तो इसकी वजह से वॉल्यूम जो है वो मार्केट के काफी ज्यादा बढ़ गए। अगर फ्लोज देख लें तो फ्लोज में जो मेजर बायर्स थे वो ऑब्वियसली काम छोटे स्टॉक्स में चल रहा था तो इंडिविजुअल्स, कंपनीज, ब्रोकर्स और अदर ऑर्गेनाइजेशंस जो है ये बायर्स थे मार्केट में। और अगर सेलर्स में देख लें तो कल फॉरेनर के एंड से हमने काफ़ी बड़ी सेलिंग देखी 6.09 मिलियन डॉलर्स की, जिसमें मेजरली बैंक्स थे। इसके अलावा जो है हमने बैंक्स के एंड से सेलिंग देखी और इंश्योरेंस कंपनीज के एंड से सेलिंग देखी। न्यूज़ फ्रंट की हम बात कर लेते हैं। एक तो जो मीटिंग हुई थी बिजनेस कम्युनिटी की चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ, उसके ऊपर अगर बात कर लें तो उसके बाद जो है वो न्यूज़ ये आ रही थी कि कोई स्ट्रैटेजी प्रिपेयर कर रही है गवर्नमेंट जो बिजनेस कम्युनिटी की रिजर्वेशंस थी उनको ख़त्म करने के लिए। तो इसका मतलब ये है कि जो इनकी मीटिंग हुई है वो काफ़ी मुस्बित मीटिंग हुई है और उसके जो रिजल्ट्स हैं वो भी पॉजिटिव साइड पर ही आएंगे बिजनेस कम्युनिटी के लिए। इसके अलावा जो एक एंटी गवर्नमेंट मार्च की बातें चल रही थी मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से, JUIF की तरफ से, उस पर अपडेट ये है कि इन्होंने 27 तारीख को एंटी गवर्नमेंट मार्च करने का बोला है इस्लामाबाद में। और अगर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज की इसमें बात कर लें तो उनके एंड से कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स इसके ऊपर नहीं है, वो अभी भी इसी चीज़ पर एडमिट हैं कि इसको थोड़ा सा डिले किया जाए, इसको आगे लेके जाया जाए। और अभी उनका जो इस मार्च को ज्वाइन करने का डिसीजन है वो थोड़ा सा वेग है, अभी उस पर कोई क्लैरिटी नहीं है। अच्छा, मार्केट व्यू की हम बात कर लेते हैं। मार्केट व्यू पिछले दो दिन से जो हम व्यू दे रहे हैं वो न्यूट्रल टू पॉजिटिव का था, और व्यू उसमें यही था कि छोटे स्टॉक्स जो है वो अब मार्केट को मार्केट के अंदर परफॉर्म करना शुरू करेंगे। तो पिछले दो दिन में हमने यही देखा कि जो सेकेंड और थर्ड ईयर स्टॉक्स थे उन्हीं की तरफ से जो है वो मेजर परफॉर्मेंस आई मार्केट में, और इन्हीं नई मार्केट को जो है वो थोड़ा सा रैली के मोड में लेके गए। तो अभी भी व्यू यही है कि मार्केट में यही जो स्टॉक्स हैं सेकेंड और थर्ड ईयर स्टॉक्स ये उसी तरीके से परफॉर्म करते रहेंगे, इनको देखना चाहिए। इसके अलावा बैंक्स जो है वो हमें लगता है कि नेक्स्ट 1 to 2 weeks के अंदर कोई इंडेक्स को आउट परफॉर्म कर सकते हैं। तो बैंक्स के अंदर एक रैली बन सकती है और ये जो सेकेंड और थर्ड ईयर स्टॉक्स है इनके अंदर एक रैली बन सकती है, इन्हीं में ही काम करना चाहिए।